दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। सेक्शन 216 न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। न्यायालय आरोप कैसे परिवर्तित कर सकता है, हमने कहा क्लॉज 1, कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्तन कर सकता है। न्यायालय चाहे तो निर्णय सुनाने से पहले, मतलब जजमेंट आए उससे पहले किसी भी समय आरोप में तो परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है। दूसरा, परिवर्तन के स्तर बढ़ा सकता है। दूसरा, ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा, मतलब जो भी परिवर्तन होगा या जो भी परिवर्धन होगा, बढ़ेगा मामला, उसमें नए आरोप जुड़ेंगे, तो वो सब उसको पढ़कर सुनाए जाएंगे और समझाए जाएंगे। बिना पढ़ाए, बिना उसको बताए या बिना उसको समझाए उनको नहीं जोड़ा जाएगा। क्लॉज 3, यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात स्वविवेकानुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकता है मानो परिवर्तित या परिवर्तित आरोप ही मूल आरोप है। मतलब सीधी बात है, आरोप में कुछ परिवर्तन या परिवर्धन हुआ और वो ऐसे परिवर्तन और परिवर्धन नहीं है कि यदि उसको अभियुक्त को उसके लिए समय नहीं दिया गया तो उससे कुछ उसको नुकसान हो जाएगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो न्यायालय उस पर कार्रवाई वैसे ही करेगा जैसे कि वो मूल रूप से लगाए गए आरोप है, क्योंकि उसका कोई विशेष प्रभाव उसकी हैसियत पर नहीं पड़ रहा है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वहीं अगला क्लॉज 4 है, यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलने से इस बात की संभावना है, और मान लो ऐसा है कि मान लो आगे अपन मामला चला रहे हैं और जो परिवर्तन और परिवर्तन आरोप में हुआ है उसका प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति पर पड़ने वाला है, अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय या तो नए विचारण का निर्देश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो स्थगित कर देगा, या तो विचारण को रोक देगा या नए विचारण की के लिए कहेगा, तो न्यायालय नए विचारण का निर्देश दे देगा, आदेश दे देगा। अब क्लॉज 5 है, यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो उस मामले में ऐसी मंजूरी अभी प्राप्त किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जिन पर परिवर्तित या परिवर्धित आरोप आधारित है अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभी प्राप्त नहीं कर ली गई है। मतलब जिन मामलों में अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है उस मामले में ऐसी मंजूरी प्राप्त किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की, मतलब कोई कार्रवाई करने के लिए मान लो मंजूरी की आवश्यकता है और मंजूरी पहले से प्राप्त नहीं कर ली गई है, तो मंजूरी प्राप्त करने तक के लिए उसको रोका जाएगा, ठीक है। और फिर मंजूरी प्राप्त या तो पहले से प्राप्त कर ली गई हो या नहीं प्राप्त की है तो उसको प्राप्त करने के लिए समय दिया जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा, सेक्शन 216 न्यायालय के लिए आरोप परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तन। तो हम इसको संक्षेप में यदि समझें तो हम देख रहे हैं कि यदि मान लो आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन हुआ है तो न्यायालय अभियुक्त को समय देगा, यदि अभियुक्त या अभियोजन को समय नहीं दिया जाए तो उससे उनके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो समय दिया जाएगा, और प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता तो ऐसे ही माना जाएगा कि मूल आरोप यही थे। और जिन मामलों में अभियोजन के मामलों में मंजूरी की आवश्यकता है तो मंजूरी यदि पहले से नहीं प्राप्त की गई है तो मंजूरी के लिए समय दिया जाएगा और मंजूरी प्राप्त की जाएगी, तो उसके लिए वो निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है। अब आता है आपका सेक्शन 217, जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना। जब कभी विचारण प्रारंभ होने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्तित किए जाते हैं तब अभियोजक और अभियुक्त को, मतलब जब कोई विचारण प्रारंभ होने के बजाय, मतलब अभियोजन का मामला शुरू हो गया है या विचारण प्रारंभ हो गया है उसके बाद आरोप में कोई परिवर्तन हो रहा है या परिवर्धन हो रहा है, तब अभियोजक और अभियुक्त को नंबर का किसी ऐसे साक्षी को जिसकी परीक्षा की जा चुकी है,
पुनः बुलाने या पुनः समन करने की और ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के बारे में परीक्षा करने की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक न्यायालय का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार नहीं है कि यथास्थिति अभियोजक या अभियुक्त तंग करने के या विलंब करने के या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे साक्षी को पुनः बुलाना या उसकी पुनः परीक्षा करना चाहता है। मतलब ठीक है, विचार प्रारंभ होने के बाद उसको समझ लें अपन, विचार प्रारंभ करने के बाद मान लो नए आरोप जुड़े हैं या उन्हें परिवर्तन या परिवर्धन हुआ है, तो न्यायालय क्या करेगा, जो पहले साक्षी हो चुके हैं उनको पुनः बुलाने की अनुमति अभियोजन और अभियुक्त को दे देगा, फिर से विचार किया जाए। लेकिन उससे पहले ये चेक देखेगा कि कहीं ये फालतू में विलंब करने के लिए, न्याय के उद्देश्य को विफल करने के लिए या अनावश्यक रूप से तो नहीं किए जा रहे हैं। यदि उसको संतुष्ट हो जाता है कि ये तंग करने या विलंब करने के लिए, न्याय के उद्देश्य को विफल करने के लिए नहीं है, तो वो फिर से उनको बुलाने की अनुमति देगा, साक्षी लेने की अनुमति फिर से दे सकता है। ख, किसी अन्य ऐसे साक्षी को भी जिसे न्यायालय अवश्य समझे पुनः बुलाने की अनुमति दे सकता है और किसी को नए को भी बुलाने की जरूरत आज्ञा दे सकता है कि भाई नए को भी बुलाया जाए। तो ये था अध्याय 17 का पार्ट का जिसको हमने देखा, अध्याय 17 का भाग ख आरोपों का संयोजन हम देखते हैं। सेक्शन 218 218, विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप, मतलब अलग अलग अपराध हैं तो उनके आरोप भी अलग अलग होंगे। नंबर वन, प्रत्येक विभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथकता किया जाएगा, मतलब अलग आरोप है तो अलग विचारण किया जाएगा। परंतु जहां अभियुक्त व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहता है कि मजिस्ट्रेट की राय है कि उसमें उससे ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां मजिस्ट्रेट व्यक्ति के विरुद्ध विचित सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण एक साथ कर सकता है। पहली कंडीशन तो यही थी कि प्रत्येक विभिन्न अपराध के लिए उसका विचारण अलग अलग होगा, लेकिन व्यक्ति वहाँ पर लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहता है, मजिस्ट्रेट की राय में भी ऐसा है कि इससे उसके कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के बीच सभी यकीनी आरोपों का विचारण एक साथ कर लेगा, मतलब उन सबको एक साथ विचारण कर सकता है। वहीं क्लॉज 2 उपधारा 1 की कोई बात धारा 219, धारा 220, 221 और 223 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। आने वाले जो सेक्शन हैं, सेक्शन 219, 220, 221 और 223 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी उपधारा 1 की बात, मतलब इनका इसका प्रभाव इन सेक्शंस की धारा इन सेक्शंस पर नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल इन्हें देखा है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं। कापर 1, अफसर पर चोरी करने के लिए दूसरे किसी अफसर पर घोरोपाधि करने का अभियोग है, चोरी के लिए और घोरोपाधि करने के लिए का पर पृथक पृथक आरोप लगाने होंगे और उनका विचार पृथकता करना होगा, मतलब एक अफसर पर चोरी कर रहा है, दूसरे अफसर कोई घोरोपति का मामला उसको चल रहा है, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों का पृथककरण पृथक पृथक उस पर विचार करना होगा। वहीं अब आते हैं सेक्शन 219 पे। एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। सेक्शन 219 कह रहा है कि एक ही वर्ष में एक ही किस्म के तीन अपराध मान लो कोई व्यक्ति करता है तो उनका आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। क्लॉज 1 कह रहा है जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के ऐसे एक से अधिक आरोपों का अभियोग है जो उन अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक 12 मास के अंदर ही किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हों या नहीं, तब उस पर उनमें से तीन से अनधिक कितने ही अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया और अभिचारण किया जाएगा। मतलब इसकी कंडीशन ये है, एक जो अपराध हुआ है उससे जो तीन अपराध हुए हैं 12 मास की अवधि के भीतर हुए हों। अच्छा, और कैसे हुए हों अपराध, भले वो एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ किए हों लेकिन हुए हैं, एक ही किस्म के अपराध हुए हैं, तो तीन से अधिक, मतलब तीन से अधिक नहीं होंगे ऐसे अपराधों पे वो विचारण एक साथ कर सकता है, विचारण आरोप लगाया जाएगा, विचारण किया सकता है। वहीं क्लॉज 2 कह रहा है 219 का, अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे भारतीय दंड संहिता 1860 या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडित हों, तो एक ही जैसे आपराधिक विधि है अपनी आपकी भारतीय दंड संहिता उसके अंतर्गत हैं और या कोई विशेष स्थानीय विधि है उसके अंतर्गत हैं, किसी एक ही धारा के विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय है, जैसे 379 3 वर्ष तक कारावास जुर्माना उससे ही दंडित हैं तो उससे दंडनीय हैं तो वो लिए जाएंगे।
परंतु इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का उक्त संहिता की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध है, और भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष स्थानीय विधि की किसी धारा के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का ऐसे अपराध करने का प्रयत्न है जब ऐसा प्रयत्न अपराध हो। मतलब उन्हें एक एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए हम 379 को देखें, चोरी का अपराध है, 380 में भी उससे संबंधित अपराध है और चोरी का प्रयत्न भी लगभग एक सा अपराध है। तो यदि अपराध तीन तरह के अपराध हैं, मतलब तीन तरह के लग रहे हैं लेकिन है एक ही किस्म के, और एक व्यक्ति करता है एक वर्ष के भीतर में करता है, मतलब एक दिन से लेके 12 माह के भीतर करता है, एक व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी करता है, तो एक ही किस्म के अपराध का विचारण का उसका आरोप लगा के एक साथ विचारण किया जा सकता है।